ये तस्वीरें देखिए, ये हाइब्रिड भांग है, वो भी एलईडी लाइट से बनाई हुई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 35 साल के एक ईरानी नागरिक को क्राइम ब्रांच ने मंगलवार यानी 28 सितंबर को शहर के बाहरी इलाके से गिरफ्तार किया। ईरानी नागरिक पर आरोप है कि वो ड्रग्स का धंधा करता है। आरोपी की पहचान जवाद रोस्तमपुर के तौर पर हुई। जवाद साल 2010 में बेंगलुरु पढ़ने आया था, लेकिन अब वो अपनी हवेली में जो कर रहा था वो देख पुलिस के भी होश उड़ गए। जवाद ने बेंगलुरु के कल्याण नगर के एक निजी कॉलेज से MBA पूरा किया, जिसके बाद वो कम्मन हल्ली के एक घर में रहने लगा। समय के साथ उसका झुकाव भगवान शिव और मरिजुआना की ओर बढ़ता गया। लगभग 3 साल पहले उसने ड्रग्स का उपयोग करना भी शुरू कर दिया। फिर उसने धीरे धीरे ये ड्रग्स अपने दोस्तों में सप्लाई करना शुरू कर दिया। इस आरोपी ने मरिजुआना पर कई किताबें पढ़ी और 6 महीने से ज्यादा समय तक भांग, इसे प्रोसेस करने के तरीके और अन्य संबंधित चीजों पर ऑनलाइन रिसर्च भी किया। लॉकडाउन के दौरान उसने भांग और पुदीना खुद उगाने का फैसला भी किया। जवाद ने अपने घर में भांग उगाने के लिए एक हाइड्रोपोनिक मॉडल स्थापित किया और दवा को प्रोसेस करने के लिए LED लाइट्स, जरूरी केमिकल्स का ऑर्डर किया। उसने यूरोप से डार्क वेब के जरिए 60 बीज मंगवाए और पहला बीज अपने फिश टैंक में लगाया। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि जवाद ने पौधों की अच्छी तरह से देखभाल की। उसके दोस्तों ने ग्राहकों को हाइड्रो गांजा की सप्लाई करने में मदद भी की और उसने कुल 130 पौधे उगाए। इतने पौधे उगाने के लिए उसने पूरा सेटअप बनाया। इसके हर ग्राम की कीमत लगभग 3,000 से 4,000 रुपये है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने 2 युवकों को ड्रग्स ले जाने के बहाने पकड़ा था, तो पता चला वो जवाद के दोस्त हैं। और इस सूचना के बाद पुलिस ने विला पर छापा मारा और वहाँ पूरा प्लांटेशन पाया। पुलिस के अनुसार इस मामले के संबंध में 4 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार पहले भी किया गया था, जिनमें से 2 ईरानी छात्र वीजा पर अधिक समय से भारत में रुके हुए थे।